दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम जानेंगे वानखेड़े स्टेडियम, सचिन स्टैंड नॉर्थ, जो कि सेकंड लेवल पे बालकनी की सीट है। ये सीट अबाउट 10,000 रुपीज़ की हमें मिली है। इसका एक्सपीरियंस देखते हैं। फ़िलहाल मैं हूँ पुणे में और मुझे जाना है मुंबई। बेसिकली मुझे जाना है न्यू बॉम्बे नेरुल, जहाँ पे कि मेरा दोस्त अभिजीत रहता है, और अभिजीत के साथ फिर मैं मैच देखने जाऊँगा। तो प्लान ये है कि पुणे से निकलते अपनी प्यारी सी टैंक में, देखे तो फुल रेडी है। पुणे से निकलेंगे इस बाइक में, आराम से जाएंगे 2-2.5 घंटे। और आज पहली बार ये आउटफिट करेक्ट पहना मैंने, इंडिया की क्रिकेट की टी शर्ट। आई नो ये काफ़ी पुराना टी शर्ट है, आई थिंक 5 साल के ऊपर हो गया है, लेकिन ये ओरिजिनल टी शर्ट है, तो इसको पहनने में मुझे मज़ा आता है। और लेटेस्ट टी शर्ट अगर आज मिली तो अपग्रेड कर लेंगे। तो जो मेरी फेवरेट जगह है लोनावाला में कामत, वहाँ पे मैं गया ब्रेकफास्ट करने के लिए, छोटा सा ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि वो एक परफेक्ट जगह हो जाती है घाट एरिया के। पहले यू नो यू गेट फ्रेश, एक ब्रेक ले लो, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अभी मैं अबाउट खालापुर की जगह पे आ गया, तो यहाँ पे जो मिल रहा है एक शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं, और मुझे लगता है मैं शायद अर्ली ही पहुँच जाऊँगा और वानखेड़े स्टेडियम। आई कांट वेट फ्यू मोर आवर्स। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रेबॉर्न, और मेरे साथ है अभिजीत। ये सपोर्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इंग्लैंड। और बाहर मुझे काफ़ी अंग्रेज लोग दिख गए बियर वियर पीते हुए। यहाँ पे क्या है कि हम बाजू वाले स्टेडियम में आए हुए हैं ब्रेबॉर्न स्टेडियम टिकट लेने के लिए। दोस्तों, ये जो लाइन है ये टिकट कलेक्ट करने की लाइन है, और हम सिर्फ यहाँ 20 मिनट पहले आए थे, हमें बहुत जल्दी काम हो गया। जो अभी आया है, जो बंदा अभी नीचे, मुझे तो लगता है 1 घंटा यहाँ लाइन में लगा रहेगा वो। और मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी टिकट बुक करी थी। इमरजेंसी में क्या सिस्टम चलता है ना, कि अगर एक बंदा कुछ स्टडी करता है और यू नो रिसर्च करता है कुछ ख़रीदने से पहले, तो बाकी लोग कुछ टेंशन नहीं लेते, वो उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते। तो जब दोस्त ने बोला मैं ये बुक कर रहा हूँ टिकट, में बोला बुक कर, तो मेरा जो स्टैंड होने वाला है वो है सचिन तेंदुलकर स्टैंड, बालकनी लेवल 2 पे। बहुत मज़ा आएगा भाई। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है आज की डेट में, क्योंकि इसने मेरे लिए प्रीमियम टिकट बुक की। यहाँ पे घुसते ही मुझे इतना अच्छा फील आ रहा है, गार्डन जैसा फील आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, पे लगा अंदर हमारा पराठा चला जाएगा, लेकिन नहीं गया। तो यहाँ सिक्योरिटी हमारा हो गया है, लेकिन हम यहीं पे खड़े रह के पराठा खा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर स्टैंड पे स्टेडियम की तरफ जाते हुए हम दोनों लेवल 2 पर आ गए। पहले हम लोग थोड़ा सा शॉकिंग हो गया हमारे लिए कि भाई एयर कंडीशन में तो नहीं बैठना, बट इन्होंने बताया कि नहीं, आप बाहर भी बैठ सकते हो, एयर कंडीशन में रहने की कोई जरूरत नहीं है। टॉस हो चुका है और टॉस इंग्लैंड जीत चुका है। इंग्लैंड ने फील्डिंग, मतलब क्विंटन डिकॉक की बैटिंग हमें इमीडिएटली देखने मिलेगी। और यहाँ पे फ्लैग्स वगैरह आ रहे हैं, नेशनल एंथम का टाइम हो गया। बोल, कौन जीतेगा आप? देखो, मैच तो बहुत बढ़िया होने वाला है। मैं साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा हूँ। साउथ अफ्रीका इज ऑलवेज अंडरडॉग्स, गुड परफॉर्मिंग टीम, कभी आगे नहीं पहुँचती। गो साउथ अफ्रीका। और मैं बोलता हूँ कि भाई टॉस इंग्लैंड सेकंड बैटिंग कर रही है, इसलिए इंग्लैंड जीतेगी, क्योंकि वानखेड़े हमेशा से चेसिंग के लिए मस्त रहा है और चेसिंग टीम ही जीती है। और एक और अच्छी बात, हमें तो पता ही नहीं था, हम लोग यहाँ पे ना ग्लास का पानी का कप लेके घूम रहे थे कि पानी भर के लाएंगे और पियेंगे। हमें पता चला कि हमारी टिकट में सब कुछ ऑन द हाउस है, पानी खाना पीना सब। करना क्या है, बैंड दिखाओ भाई। ये देखो, ये जो बैंड है आते ही हमारे हाथ में बांध दिया था, ये बैंड दिखा के हम यहाँ पे कुछ भी खा पी सकते हैं। तो हमारा टिकट आई थिंक फुल वसूल है। चलो, नेशनल एंथम का टाइम हो गया, नेशनल एंथम का टाइम है, लेट्स। पहला ही बॉल 4 चला गया भाई, 43 ओवर हो चुका है और साउथ अफ्रीका के 5 विकेट। अब लग रहा है छक्के चौके थोड़ा देखने मिले यार, अगर और विकेट कम होते तो और ज्यादा मजा आता। मगर अब क्या पॉपट हुआ, तो छक्का रिकॉर्ड होना चाहिए।
दोस्तों अभी हाफ टाइम हो चुका है और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा 399 का स्कोर दे दिया हमारी, तो टिकट विकेट सब पैसा वैसा वसूल हो गया, खाना पीना सब एंजॉय कर लिया आपने और इतने सारे छक्के देखे, जैनसन बंदे ने बहुत छक्के मारे, तो हमारे प्रिडिक्शन भी बहुत चेंज हो रहे थे, हम 370 पे आए, फिर 380, फिर 390, ना इसका धर्मिमान सही है ना मेरा धर्मिमान सही है, हमने चेंज करते गए, तो अभी भी ये बंदा 399 मार चुका है, बट अभी भी मैं इंग्लैंड को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे को लगता है इंग्लैंड इतना रन मार लेगा कैसे भी, कैसे मारेगा मुझे नहीं पता लेकिन मार लेगा क्योंकि बेंच स्टोक भी है, तू क्या बोलता है? Only once in 10 times can a team chase this match. वो once in 10 time नहीं, आज क्या होगा बस? नहीं होगा, नहीं होगा, साउथ अफ्रीका इज़ गोइंग टू विन. अब प्रेडिक्शन बोल, इंग्लैंड कितने रन मार पाएगा? 360 ऑल आउट. हाँ मतलब उतना ही मैक्सिमम ऑल आउट या फुल 50 ओवर्स. ओके, और मैं बोलता हूँ वानखेड़े का पिच अभी ड्यू आएगी पिच में, बॉल एकदम सीधी सीधी पड़ेगी, बेंच स्टोक छक्के पे छक्का मारेगा और 400 रन चेस होगा. बाकी हम अभी मैच के एंड में बात करेंगे आपसे. जो भी जीते जय हिंद. भाई बहुत ही बड़ा पोपट हो गया, 22-23 ओवर में आउट हो गए, थोड़े छक्के चौके तो दिखाए इंग्लैंड ने भी, बट ठीक है, ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया. अभी हम घर वापस जाएंगे. मैच के बाद तुझे चार सेमीफाइनलिस्ट कौन लग रहे? इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बाकी, नहीं सॉरी, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका. हाँ मेरा भी सेम, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान. चौथी टीम अफगानिस्तान होगी तो सबसे ज्यादा मजा आएगा. पाकिस्तान तो होने का कोई चांस नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया अब अच्छा खेल रही है और आज के मैच के बाद इंग्लैंड का भी चांस खत्म. उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इम्पॉसिबल जैसा हो गया. हुआ जैसे ही मैंने पुणे क्रॉस किया और मैं मुंबई, संडे मॉर्निंग है मतलब बाइक्स की आवाज तो एक्सपेक्टेड है, तो जैसे ही मैं मुंबई साइड में गया तो वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया, गर्मी लगने लगी. एनीवे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई. तो कल के मैच के एक्सपीरियंस के बाद दोस्त के घर पे इतनी अच्छी नींद आई, थोड़ा निकलने में मेरे को लेट हो गया, बट इट्स फाइन. एक्सप्रेस वे में मुझे मिला अबाउट 10 मिनट का ट्रैफिक, अदरवाइज मैं आ गया हूँ अपनी फेवरेट जगह जो कि है, आप देख रहे हो यहाँ पे, कामत. और क्या बताना था आपको, हाँ, और ये पूरा वीकेंड अपना क्रिकेट चल रहा है, कल क्रिकेट और आज अभी घर जाके वापस इंडिया न्यूजीलैंड का मैच. और आई एम श्योर रंजना हो सकता है कि चिल्लाए क्योंकि उसका कुछ प्लान अगर हुआ बाहर जाने का, चलो एनीवे अच्छा पति बनते हैं और अगर प्लान बाहर जाने का हुआ तो कैंसिल नहीं करूंगा, मोबाइल में ही इंडिया न्यूजीलैंड का मैच देखने के काम चला लेंगे. और जो बारिश में एक छोटी सी राइड करके भी पूरी बाइक की साइकिल बाइक की हालत ख़राब हो जाती थी, अभी वैसा कुछ नहीं हो रहा है. देखो कल राइड करके पूरा मुंबई गया, अभी आज लोनावाला पहुंच गया, घर कुछ भी खास गंदी नहीं हुई है. और ये चेन, इस चेन को मैंने खुद चमकाया था साइड से और मस्त क्लीन करके, तो ये चेन की हालत भी ऑलमोस्ट सेम ही है.